शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब से बुटीक खोला है एक बार भी हिसाब नहीं दिया तुमने। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ बस। जाओ, मैं जब भी हिसाब किताब की बात करता हूँ तुम्हें ब्यूटी पार्लर की याद आती है। उड़ाओ मेरा पैसा। हेलो। और गंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? चार खोखे जल्दी से ढीले करो। अरे भाई ये बुटीक है, यहाँ पे लेडीज ड्रेस मिलते हैं, खोखे बोखे नहीं मिलते। अबे बिना भेजे की खोपड़ी, खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़ और वो भी चार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। जानता है ना तू किससे बात कर रहा है? मजनू भाई, नाम सुना है ना मेरा? हाँ सुना है ना, तूने तो अभी दो बार बताया मजनू भाई बोल रहा हूँ। मजनू भाई तो मैं क्या करूँ रे? अबे ओ शाने पागल हो गया क्या तू? लगता है तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। अरे मैं हफ्ता मांग रहा हूँ हफ्ता, इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन मनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुझे प्रोटेक्शन चाहिए। एक काम कर, तू चार खोखे लेकर, मैं तुझे प्रोटेक्शन देता हूँ। और अगर चार जूते खाने हो तो दोबारा फोन करना। तेरे को भी मजनू से लैला नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी डॉक्टर घुंगरू नहीं। चल फोन रख। यार ये तो मेरी मां है यार। चलो काम बंद करो। चल गए, चल। ये क्या हो रहा है? हमारे मजनू भाई को तू लैला बनाएगा? निकाल ए घाघरा, निकाल वहां से, निकाल ए तू चुन्नी, निकाल 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 जल्दी निकाल। अब तो लग रही है बराबर लैला, काली पीली नीली। चलो ले चलो इसे। मजनू भाई गलती हो गई, मुझे लगा मेरे साथ कोई फोन पर मस्ती कर रहा है। सच अगर मुझे पता होता कि आप फोन पर है तो मैं क्या ऐसे बोलता? तो क्या बोलता? ये क्या है बे? अबे तू क्या समझता मुझे? हाँ भाई भाई आप ठीक हैं? ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। भाई भाई। अबे सुन, बिना सिग्नल के मोबाइल। सुन रहा हूँ भाई, बोलिए। कल तक मुझे पांच खोखे चाहिए, समझा? भाई भाई आपने फोन पे तो चार खोखे बोले थे ना। वो फोन पर बोला था, अब भाई खुद चल के आए गाड़ी में तो पेट्रोल का खर्चा क्या तेरा बाप देगा? हाँ एक करोड़ का पेट्रोल भाई। ठीक है ठीक है, अच्छा है भाई ने रास्ते में नाश्ता पानी नहीं किया, नहीं तो छह खोखे हो जाते। हाँ छह ही हो जाएगा। कल शाम के 5 बजे तक अगर तूने 5 खोखा नहीं पहुंचाया तो तेरी 3 की फैमिली 6 हो जाएगी, समझा देना इसको। समझा, 3 का 6 कैसे होता? अरे 3 लोगों का फैमिली है, 3 को बीच में से काटेंगे तो कितने होंगे? 6 होंगे ना। चलो रे। एक्सटॉर्शन यानी रंगदारी टैक्स की रकम नहीं मिलने की वजह से एक और हत्या। आज सुबह सवेरे दिन दहाड़े सरे बाजार सरे आम मशहूर बिल्डर श्याम अग्रवाल को 3 लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया। सबसे पहले हमने और आपका चैनल कल तक ने ये भंडाफोड़ किया कि इस खूनी खेल के पीछे कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना मजनू का हाथ है। बचपन से एक एक करके इसने सैकड़ों खून किए, बच्चे बूढ़े नौजवानों को तो क्या लंगड़े लूले अपाहिजों को भी नहीं बख्शा। कमाल है, अरे इतना पैसा कमाते हैं, थोड़े इन बिचारों को भी तो दे देना चाहिए ना। अब पैसा छाती पे लेकर चले जाएंगे क्या? मेरा हार्ट फेल कराओगे क्या? हार्ट फेल तो आप हमारा करवाने वाले थे, मतलब ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे मजनू भाई ने आपको धमकी दे दी। दी है, दिन दहाड़े दी है, दुकान के अंदर आकर दी है। लगता है मुझे कल तक तो मेरा भी यही हाल करेगा मजनू भाई। मज्जू भाई? अपना मज्जू भाई? अरे मतलब मज्जू भाई ने आपको धमकी? मुन्ना है मुन्ना, मुन्ना। आप पहचानते हो उसे? लो, अरे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। अरे आप एक बार मेरा नाम लेके तो देखते। मांगने की जगह ठंडा पिलाता, उल्टा दे के जाता। नहीं, मुझे उससे कुछ लेना नहीं है और मुझे कुछ देना भी नहीं है।
प्लीज कितने भोले हैं आप। जाइए तैयार होकर मेरे साथ चलिए, देखिएगा हमको देखते ही कैसे हमारे पैर पे गिरेगा धम। ये मज्जू मज्जू क्या लगा रखा है, खुद लाड़ में आ गया? मेरे दो आदमी की शादी क्या करवा दी, अपने आप को मेरा बाप समझने लगा तू? अरे भाई हम दोनों की बीवियां भी भाग गई, ऐसी लड़कियों से तो शादी करवाई इसने। हाँ ऐसी उल्टी सीधी शादियां करवा के बहुत पैसे कमाए ना तूने, शाम तक तू भी एक खोखे का बंदोबस्त कर ले। और तू जी सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच, अब तू 5 नहीं 6 ला कर देगा समझा। अभी तुम लोग अपनी गेम चालू करो। फिर गलत स्थान पे लेके आए आप हमें। मैं लाया, तू लाया, और तेरी वजह से मेरा एक बढ़ भी गया, तू लाया। मेरे ऊपर भी तो एक पड़ गया ना। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? सलाम साहब। भाई का चौकीदार है, एक बार भाई को सलाम नहीं किया, भाई ने 6 महीने तक हर एक आदमी को देखकर सलाम ठोकने की सजा दी है इसको। सलाम साहब। अरे ये भाई का प्राइवेट जेल है, इन लोग सब सजा काट रहे। और इसका क्या हुआ? भाई की बर्थडे में फुग्गे कम लगाया, बोला फुलाने में तकलीफ होती है, नेक्स्ट बर्थडे तक फुग्गे फुलाने का काम दिया है। अभी इसका क्या होगा? अरे यार ये तो डॉक्टर है ना। हाँ? भाई तो इसका अदृश्य डिस्पेंसरी खोल डालेंगे। हाँ, जिसमें डॉक्टर भी यही होगा और पेशेंट भी यही होगा। हाँ। हाथ में चाकू और कैंची देंगे और बोलेंगे खुद का ऑपरेशन कर। भाई साहब मैं तो भाग नहीं सका, लेकिन आप लोगों के पास टाइम है, अभी सीधे उदय शेट्टी भाई साहब के पास पहुंच जाइए, वही एक फरिश्ता है जो आप लोगों की इस मुसीबत को दूर कर सकते हैं। उदय शेट्टी शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, सभी उनकी इज्जत करते हैं, ये मजनू भाई भी। अच्छा, हर मुलाकात में वो एक खोखा बढ़ा देता है सर, और सबसे गलत बात तो ये है सर कि उसे हफ्ता कहता है। हफ्ता? अरे तो महीनों बरसों सदियों की कमाई होती है सर। प्लीज मुझे इस गुंडे इस बदमाश से बचा लीजिए सर, मैं बहुत मुसीबत में। उठिए आप, उठिए, बोल पर बल्ली रोना नहीं। हाँ शेट्टी साहब, आपने बुलाया? मजनू क्या कर रहे हो तुम, किसी को भी फोन करते हो, कुछ भी मांगते हो? घुंगरू जी मेरे जी जी मत कहिए मुझे प्लीज। अरे ऐसे कैसे, आजकल बिस्किट को भी पार्ले जी कहते हैं, आप तो डॉक्टर हैं, इतना नेक काम करते हैं। पता है मैं गरीबों का इलाज मुफ्त में करता हूँ सर, इसलिए मेरा हॉस्पिटल घाटे में जाता है। देखो ये ऐसे डॉक्टर है और तू है जो क्या है। शेट्टी साहब मेरे को मालूम नहीं था कि आपके पहचान का आदमी। पहचान के दोस्त है मेरे। फिर तो ये हमारे माए बाप हुए, मिस्टेक हो गया क्या? हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मतलब। तेरा काम हो गया तुझे। सर मैं जरा एक दो थप्पड़ मार दूं उसे, मेरा दिल कर। सर आपका ऐसा मैं जिंदगी भर नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी ही बात है सर। नहीं। आप फरिश्ता हैं सर, शराफत खत्म नहीं हुई इस दुनिया में। नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, आप लेकिन ऐसे ही समझते हो तो मेरा एक काम करो। हुकुम हुकुम। मेरी एक छोटी सी बहन है, खूबसूरत है, शादी के लायक। अब समझा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा है, इस शहर में जिस घर पर हाथ रखूं रिश्ते के लिए कोई ना नहीं कहेगा। बस एक लड़का चाहिए जो शरीफ हो, नेक हो, अच्छे खानदान का हो, जो मेरी बहन को जिंदगी भर खुश। साहब ये तो ऐसी बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मेरा अपना भांजा है, नेक है, शरीफ है, अच्छे खानदान का है। वाह। हाँ ये बात है कि हैसियत में माप के बराबर के नहीं है, लेकिन इज्जतदार है। पंडित जी मुहूर्त भोरत बाद में सोचेंगे, पहले इनकी मर्जी तो मैं जानू। नहीं नहीं मेरी तो हाँ है। आपकी हाँ? हाँ, मेरी तो मेरी भी हाँ है। देखिए जुबान दी है, मुकरने नहीं दूंगा। इज्जतदार आदमी हूँ शेट्टी साहब, एक बार जबान दी मतलब। अरे रुकिए तो सही महाराज, अरे शेट्टी साहब के बारे में कुछ बताना है आपको। अरे तुम क्या बताओगे पंडित, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, वो इंसान नहीं भगवान है, भगवान। अरे आप लोग मिल गए,
आजा पंडित, आजा आजा, आज का दिन ही बड़ा शुभ है। अरे दिन खराब चल रहा है, बता रहा है हम आपको। क्या बात है अंकल, आज बड़े मुस्कुरा रहे। अरे ऐसी जगह रिश्ता तय करके आया हूँ भांजे, सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्यों पंडित जी, बताइए। माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट मैन यार शेट्टी साहब। सच पूछो तो शराफत की गंगा तो उनके बंगले से ही बहती है। शराफत की गंगा नहीं बहती है, खून की नदी बहती है। गोलियों से सुबह की शुरुआत होती है, गोलियों की गूंज से सरजी, और रात में जब तक 10-12 को लुड़का ना देना, खत्म नहीं होती रात उनकी। क्या बकवास कर रहे हैं? कसम सेठी साहब डॉन है। डॉन? हाँ। गॉडफादर? परमात्मा? मजनू और सेठी साहब दोनों ने मिलकर फंसाया आपको अपनी बहन के लिए, समझते नहीं। Sick and tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत खराब है, क्या करूं मैं? Yeah!